26 दिसंबर 1704 की घटना है, जब देश पर मुगलों का राज था। वो दो छोटे से बच्चे थे, एक की उम्र 9 साल और दूसरे की महज 6 साल थी। मुगल सल्तनत के अत्याचारों से हर कोई वाकिफ था, लेकिन सरहिंद के नवाब वजीर खान ने तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला ऐसा कुकृत्य किया था जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सिर्फ इसलिए जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और अपनी कुर्बानी देने का रास्ता चुना। इसके बाद जल्लादों से वो दीवार बनवाई गई। पता है, जब दीवार बननी शुरू हुई तो बड़े भाई जोरावर की आंखों में आंसू आ गए। जिसे देख फतेह सिंह ने पूछा, भाई आपकी आंखों में आंसू? तब जोरावर सिंह ने कहा, तुम मेरे बाद इस दुनिया में आए और मेरे से पहले जा रहे हो, तुम मेरे से बड़े हो गए भाई। दोनों भाई हंसने लगे। दीवार चुनने के दौरान भी काजी ने दोनों साहिबजादों को जान बख्शने का लालच दिया, पर वे अपनी बात पर अड़िग रहे। दीवार में चुनवाए जाने के बाद भी जब उनका दम नहीं निकला तो वजीर खान ने दोनों साहिबजादों की गर्दन कलम करवा दी। दुनिया में कहीं भी धर्म की रक्षा के लिए इतने छोटे बच्चों की इतनी बड़ी शहादत का कोई प्रमाण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहिबजादों की शहादत वाले दिन यानी 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने का जो ऐलान किया है वह एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को दिल से नमन।